अपने बयानों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जन आक्रोश यात्रा के रथ में नहीं दिखी तस्वीर, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों ने उठाए सवाल। जिलाध्यक्ष बोले, राजा साहब किसी अन्य कार्य में होंगे व्यस्त, इसलिए यात्रा में नहीं हुए शामिल और उन्हें अपनी तस्वीर लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की, जिसमें कांग्रेस ने एक रथ तैयार किया है और इस रथ में दिग्विजय सिंह की फोटो गायब है। जिस मामले को लेकर छतरपुर के मीडिया कर्मियों ने इस बात को लेकर जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल से बात की, तो यहाँ पे लखनलाल पटेल ने कुछ अजीब टाइप का बयान दिया। उनका कहना था कि हमारे राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह को अपनी पोस्टरों में फ़ोटो लगवाना पसंद नहीं है, इस कारण से उनकी फ़ोटो नहीं लगी है। लेकिन इस बात को हम कैसे माने, क्योंकि दिग्विजय सिंह की हर जगह पोस्टरों में फ़ोटो रहती है और उन्हें एक कांग्रेस का अच्छा नेता कहा जाता है, या यूँ कहें कि वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन इस तरीके से उनके जो यहाँ पे रथ बनाया गया है उसमें फ़ोटो नदारद होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है, और ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस पूरी यात्रा से दिग्विजय सिंह को दूर रखा गया है। कहीं पर भी भय इस रथ में शामिल हो नहीं रहे हैं, इसके अलावा इस यात्रा में भी कहीं नहीं जा रहे हैं। इस बात को लेकर भी मीडिया कर्मियों ने जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल से बात की, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है दिग्विजय सिंह किसी और अन्य कार्य में व्यस्त हों, इस कारण से यात्रा में शामिल ना हो रहे हों। इस तरीके के जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने तर्क दिए हैं, लेकिन इस तर्क से हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर ज़्यादातर कांग्रेस में जाने जाते हैं और उनके तीखे बयानों को लेकर अक्सर भाजपा भी तंज कसती है, मगर इस तरीके से यहाँ पे जो रथ तैयार किया गया है, इस रथ में उनकी कहीं भी तस्वीर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के हर बड़े नेता की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही ताल्लुक़ रखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। लेकिन इस पूरे जो रथ बनाया गया है उसमें कहीं पर भी दिग्विजय सिंह की फ़ोटो ना होना कहीं ना कहीं ये व्यतीत करता है कि उन्हें इस पूरी यात्रा से दूरी बनाई गई है और उन्हें दूर रखा गया है। इस दौरान लखनलाल पटेल मीडिया के कैमरे पर क्या कहते हैं, पहले इसको सुन लीजिए। तो अलग रखा गया है, ये भाई शीर्ष नेतृत्व की बात है, हमारे पास तो जो रथ आया है इस रथ में कहीं भी दिग्विजय सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। इलाके में दिग्विजय सिंह की बड़ी साख मानी जाती है और यहीं से वो नदारद पाए जाते हैं, और जिस तरीके से पहले शुरुआती दौर में उन लोगों द्वारा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी का एक निर्देश है, वो स्वयं कहते हैं कि मेरी फोटो नहीं लगाई जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है। जिस तरीके से भाजपा कहती है कि ये बंटा ढार है, अगर फोटो लगने से बंटा ढार तो नहीं हो जाएगा कहीं कांग्रेस का, ऐसा कुछ जैसे भाजपा कहती है, वो कहीं जा भी नहीं रहे यात्रा के दौरान, सीएम रहे वो। आपके बैकग्राउंड में रथ खड़ा है, रथ में भी कहीं उनकी पोस्टर में फोटो नहीं है। मैंने बताया है कि माननीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का ये कहना होता है कि मेरी कहीं फोटो नहीं लगाई जाए। आपने देखा होगा वो यहाँ छतरपुर में भी दो दिन रुके तो उन्होंने अपनी फोटो नहीं लगवाई। राजनगर में जिस यात्रा में शामिल भी नहीं है, वो पूरी यात्रा में कहीं शामिल नहीं है, वो हो सकता है कहीं और किसी और काम में लगे हो, चुनावी समय चल रहा है। सुना आपने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल की यहाँ पे प्रतिक्रिया। अब हम आपको बता दें, कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, जिसमें बुंदेलखंड के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को बनाया गया है, जो कि रथ छतरपुर पहुँचा और इसकी तस्वीरें मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे पर कैद कर ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी कांग्रेस के मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले वरिष्ठ नेता शामिल हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की तस्वीर यहां से नदारद है, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं और यहां पे जिला अध्यक्ष से भी बात की, मगर उनका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है और दिग्विजय सिंह को लेकर कमलनाथ एवं शीर्ष नेतृत्व क्या सोचते हैं।
फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। यह खबर आपके लिए हम तक पहुंचाई है छोटू शुक्ला ने। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर सुझाव दीजिए, और कांग्रेस को लेकर आप क्या सोचते हैं उसको लेकर भी आप कमेंट सेक्शन पर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वरदान एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।